गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिनु शर्मा। अभी मम्मा ने जो खाने में बनाया वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, मम्मा ने बथुए का पराठा और मक्खन, दाल और बीन्स की सब्जी बनाई है। गाइस, अभी मेरा मन कर रहा था स्वीट कॉर्न खाने का, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस, यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न ले लिए हैं अब, और यहाँ पे मैंने चॉप करी हुई प्याज और ये टमाटो ले लिया है, इसमें डाल देंगे अपन। सो गाइस, मैं पहले ये पूरी प्याज और टमाटो निकाल देता हूँ, टमाटो ये गाइस मैंने निकाल दिया। अब इसको मिक्स कर लेता हूँ। अब मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं मिर्च, नमक और बस, और ये थोड़ा सा ये वाला केचप, तो पहले मैं हल्की सी डालूंगा गाइस मिर्च, वो सॉरी नमक, सॉल्ट, नमक को मिर्च बोलूँ, पता नहीं क्या बोलूँ, कुछ थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी मिर्च स्वाद अनुसार, ओ ज्यादा नहीं, कुछ नहीं होता खाने में, खाऊ। ये थोड़ी सी ये वाला मसाला, ये मैगी मसाला है एक तरीके से, ये पैकेट में निकला था, बहुत टेस्टी हो जाएगा तीखा तीखा, मजेदार। अब मिक्स कर लेंगे गाइस। घर एक बार मैं मम्मा से नींबू को पूछता हूँ, शायद नींबू है या नहीं। मम्मा, नींबू है? देखिए गाइस, कितना आहला जवाब लग रहा है गाइस, ऐसा कर रहा है अभी खा जाऊं, आप भी खा लो गाइस। तो गाइस, मैं यहाँ से एक बाउल निकाल लेता हूँ, ये वाला ठीक है। अब इसमें अपने स्वीट कॉर्न को डाल लेता हूँ। फटाफट से डाल लेता हूँ गाइस, जो भी सारे खा जाऊंगा। दीदी ने भी बोला था मेरे भी बना दे, पर मैंने बनाए नहीं, क्योंकि अपना काम खुद करना चाहिए, किसी और का काम नहीं करना चाहिए। अरे यार, निकल जाना मसाला। ये देखिए, अच्छे लग रहे हैं देखने में, तो अब पता नहीं खाने में कैसे होंगे, मैं टेस्ट करके बताऊंगा। गाइस, मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसे हैं। पर नमक तेज हो गया है, बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा नमक तेज हुआ है, वो लग रहा है बस जीभ पे, बेस्ट है गाइस। अब आपको भी बनाना हो तो ये मेरी रेसिपी थी, ऐसे ही बनाता हूँ मैं हमेशा, मुझे अच्छे लगते हैं इसकी। मैं खाऊंगा बाद में, पहले ये साफ कर देता हूँ रसोई, वरना मम्मी डांटेंगी, पूरी रसोई का कचरा फैला देता हूँ मैं। ये भी धर देता हूँ, ये इसमें, ये इधर, ये इधर, ये इधर। अब गाइस, अभी मेरे ट्यूशन का टाइम होने वाला है, तो मुझे भूख लग रही थी, तो अभी मैं सैंडविच बना रहा हूँ। तो अभी मैं आपको सैंडविच की रेसिपी मेरी जो मुझे पसंद है वो शेयर करता हूँ। फिर
ये देखिए गाइस, चीजी चीजी एकदम। तो गाइस अब मैं थोड़ी सी और डालूंगा ये वाली चीज ऊपर से, कि बीच बीच में भी इसका स्वाद आता रहे, थोड़ी बस थोड़ी 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 थोड़ी। और एक चारा बस, अब मैं इसको पैक कर देता हूँ। अब ये हो गया हमारा सैंडविच पैक, इसको मैं सेक देता हूँ। आइए गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस मैं एक चीज डालना भूल गया था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे एक चीज डालनी थी वो मैं भूल गया था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बटर को नाइफ से काट के इस पर डाल दिया। अब सैंडविच डालूंगा, जब ये पिकल जाएगा तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो गाइस अभी मैं लाइटर नहीं मुझे मिल गया, तो अभी मैं गैस ऑन कर लेता हूँ पहले, और बटर को पिघलने देता हूँ पहले। पिघल जा पिघल जा पिघल जा पिघल जा, ये जब तक पिघलता है जब तक मैं थोड़ी मस्ती कर लेता हूँ। तो बहुत ही कम बटर है, तो थोड़ा और डाल दूँ। ये रैपर में जितना दिया ना बहुत ज्यादा। बटर पिघल गया था तो मैंने इस पे अपना ब्रेड डाल दिया है। अब मैं एक बार फोन साइड में रख के इसको बना लेता हूँ पहले शांति से। तो भाई इससे पहले इसको थोड़ा सुझा देते हैं कि देखने में ये अच्छा लगे और की। थोड़ी सी पूरी गेम चिल्ली फ्लिप ऊपर से भी डाल दूंगा कि थोड़ा खाने में टेस्टी लगे। उसमें थोड़ी सी थी चिल्ली फ्लेक्स, तो मैं थोड़ी और डाल देता हूँ बस। तो अब मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। सो गाइस देखने में सैंडविच कुछ ऐसा लग रहा है। सो गाइस मैं हल्का सा आपको खा के बताता हूँ कि कैसा है। लाजवाब, एक नंबर ऑसम गाइस। आप भी घर पे बनाओ देखना, मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। सो गाइस तो मैं आपको अपनी एक्सरसाइज की वीडियो दिखाती हूँ।
गाइस अभी दीदी और मैं आज 9 बज रहे हैं, तो अभी हम 11-12 बजे तक मूवी देखेंगे, फिर सुबह मम्मा जल्दी उठा देंगे, मम्मा ने बोला था। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हम ड्राइंग रूम में सो रहे हैं, पर सोऊंगा और दीदी नीचे यहाँ पे गाइस, और यहाँ पे हम देखेंगे। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।